अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इसी के साथ आपको बताऊं कि कोई लोग ना 400 रुपए का नाइट सूट समझ के, लाइक साया से 400 रुपए का नाइट सूट सेल से मिला है, हम ना सेल से मिला है, लेकिन वो कितने का था आप ही बता दें। हमने 4000 का रात में पहनने को कपड़ा लिया है। मैं रात में पहनूंगी ना, मैं तो सोच रही हूँ शादियों में भी इसको पहन के जाऊंगी। मैंने तो बोला भाई ऑफिस वॉफिस में निकालो, 4000 का तुमने नाइट सूट लेकर आ गई हो भाई, क्या हो गया? मुझे लगा 400, मतलब 10 मैंने देखा ही। गाइस हमारी बॉस रिच है, कोई रिच नहीं, रिचेस्ट पर्सन, 4000 का नाइट सूट सब वसूलेंगे फिर। बस यार शादी से याद आया, शादी है बार। सो गाइस मैं भी अभी घर आई हूँ, मेरी शक्ल पे बेस लगा हुआ है, मैं आज ऑफिस से जल्दी भाग गई क्योंकि आज मुझे जाना है किसी के निकाह में, और जिसका निकाह है के लिए तो मेरी दिल से कब से खुशी थी और कब से लाइक दुआएं थी कि भाई हो जाए, तो आज फाइनली उनका निकाह है। तो आज मैं उधर जा रही हूँ, बस मैं जल्दी से मेकअप वेकअप कर लूँ क्योंकि मैं हूँ नल्ली, मुझे कुछ नहीं आता, मैं हूँ डफर, मैं अपनी अम्मी से ही तैयार होती हूँ, मेरी अम्मी मुझे तैयार करेंगी तो मैं उनसे तैयार होती हूँ। मैं जल्दी से भाग रही हूँ और आज मैं अपने पुराने दोस्तों से भी मिलूँगी, काफ़ी किसी से 2 साल बाद, किसी से 3 साल बाद, किसी से 1 साल बाद, तो आज उन सब से भी मेरी मुलाकात होगी। तो चलते हैं भाई, आप भी एक्साइटेड है, मैं खुद हूँ सबसे ज़्यादा। भाई गेम शो मैंने छोड़ दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे घर वाले गेम शो नहीं देखते, मेरे पापा अभी तक गेम शो बड़े शौक से देखते हैं। और आप ये देखें, मुझे देर हो रही है लेकिन मेरे कपड़े इस्त्री कौन कर रहा है? पापा। मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूं, ये आर्टिस्ट है, क्या कर सकता है आर्टिस्ट है नहीं बिल्कुल भी नहीं यार, मैं पापा से पहले मैं अपनी दिल्ली से कपड़े इस्त्री करवा रही हूँ, कोई मसला नहीं है भाई। पापा बोल रहे हैं पापा मेरे कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, ये तो इस्त्री हो चुका है, पापा फिर वो भी कर रहे हैं, फिर मुझे भी सताओ तो यार के लाइक बहुत अच्छे हैं भाई पापा को, मैंने बोला पापा इस्त्री कर दें प्लीज, पापा ने कर। ओके गाइस मैं हो गई हूँ तैयार, मैं जा रही हूँ निकाह में, तो मज़े की बात ये है कि ओके मुझे और कौन छोड़ सकता है इसके अलावा, मुझे ऐसा लगता है स्नैचिंग ना हो जाए, मुझे बस इस बात का डर रहता है दूसरे कि मैं तैयार तो हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ और मैं बस अभी यहाँ पे रुकी हूँ लिफाफे के चक्कर में, अंकल मुझे ऐसे देखते हुए जा रहे हैं जैसे पता नहीं अभी मतलब कि मैंने इनकी कोई पप्पो की बेटी क्यों नहीं कर दिया। तो खैर अपना बहुत मज़े का सीन होने वाला है, मैं जा रही हूँ भैया निकले यहाँ दादो, ब्लॉगिंग सीख गई, दादो ब्लॉगिंग सीख गई, सारे अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं। कैसी हो यार? आई मिस यू यार, इतने टाइम बाद क्यों? अस्सलाम वालेकुम, निकाह मुबारक हो, इधर देखो, खाना वाना खाओ जाके, नहीं पहले इधर देखो, इधर देखो तुम लोग सारे, तुम अपना 3 कैमरा हटाओ जरा, मुंह से दिखाओ कौन है। मैं जितना कह रही थी खाना तो खाओ, इतना सारा रो रही हूं, बाद में कोई नहीं पूछेगा। ओए गाइस जरा मुझे पिक्चर लेने दो, मेरे में बगैरती कर रहे हैं यार, क्या है यार, लेने दो पिक्चर, लेने दो बेशरम है वो पिक्चर यार, गाइस तो मैं निकाह से वापस आ गई थी और आगे मैंने वीडियोस वगैरह बनाई, चेंज वगैरह किया, फिर मैंने कहा चलो यार व्लॉग ही एंड कर देते हैं, फिर मैंने अपना व्लॉग यहाँ पे एंड किया। और माशाल्लाह से हज़ीर और हमज़ा का निकाह था, लाइक मैं इन दोनों को 2017 से जानती हूँ और मुझे बहुत खुशी है इन दोनों के लिए, बहुत 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 ज़्यादा, तो अल्लाह ताला बस इनके नसीब अच्छे करे और सबके ऐसे निकाह होते रहें। सो स्टे ट्यून और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर।